लो मैडम। हमारे वहां कोई आया हुआ है मेहमान। सो गाइस, आपने पहचाना ये मेहमान कौन है? तेरा वेट कर रहे थे, रात कर दी तूने। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैंने सुबह हो चुके हैं, सुबह चुके हैं। और गाइस, आज मैं जा रहा हूँ अपनी साइकिल पे स्कूल, और मेरा पहला दिन है साइकिल से स्कूल जाना। सो गाइस, चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। इसका नाम भी रॉकेट ही है ना, वो एक वो छोटा वाला रॉकेट था, बड़ा रॉकेट है। बाय, आराम से जा। लो मैडम, तुम्हारी घड़ी कहाँ है? ये लीजिए, बस हो गया, वेरी नाइस। चलो गाइस, दिन के 1:30 बज गए हैं और बाहर धूप देखो क्या चमक रही है ना। ये महीना बारिश का होता है, भादो बोलते हैं इसको, भाद्रपद हिंदी में, और इंग्लिश में सितंबर। तो इसमें तो बारिश होती है, इसमें तो गणेश जी भी आते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, है ना। पता नहीं, इस महीने बहुत कम बारिश हुई प्लेन्स में, तो पहाड़ों में तो होती है। और गाइस पता है, कान्हा के लिए ना हमने साइकिल ली ना, वो वैसे तो बढ़िया है, बट मैंने उसको बोला बेटा कैरियर लगा लेना, कैरियर लगाएगा ना तो बैग ऐसे पीछे लटकता है ना, तो उसको थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। बट ना उसने लगाया ना इसके पापा ने लगाया। इसके पापा बोल रहे रहने दे रहने दे, अच्छा लग रहा है ऐसे ही। और वो जो दुकानदार था उसने भी नहीं लगवाया, बोल रहा नहीं नहीं आजकल नहीं लगवाते बच्चे। मैं इसी सहूलियत के लिए वो साइकिल ली कि वो पीछे झुक जाता है ना, पीठ में दर्द हो जाता है, क्या करें। साइकिल लेनी भी थी उसके लिए, उसकी पूरी सीट फट गई थी, ब्रेक्स वगैरह टूट गए थे, क्लचिंग काम नहीं करा। 4-5 बार तो हमने क्लच ही ठीक करवा लिया, पैंडल के भी वहाँ प्रॉब्लम बता रहा था। तो वो वाली साइकिल हमने वहीं दे आए, वहीं से ली थी, जहाँ से खरीदी है ना वहीं से ली थी। खुशी की भी वहीं से ली थी, सबसे पहले कान्हा की ली थी और फिर उसके बाद खुशी की ली थी, अभी थर्ड टाइम फिर वहीं जाके हमने एक्सचेंज करवाई वो, तो कान्हा की साइकिल भी आ गई। आ गई बेटा, आज तो टाइम लगा दिया तूने, क्या हुआ? टाइम हो गया ज्यादा, मैं बोल रही कहाँ गया कन्नू। आ गई, ओ खुशा आ गई। हाँ। आ जा बैठ, कैसा रहा दिन? ठीक था। गाइस, हमारे वहां कोई आया हुआ है मेहमान, ये देखो आ गए नीचे। सो गाइस, आपने पहचाना ये मेहमान कौन है? हमारे यार मेहमान आया हुआ है। गाइस खुशी है ना, अपनी कल की तैयारी कर रही है, टीचर्स डे की वो साड़ी पहन के देख रही है। आपको मैंने थोड़ी सी झलक दिखाई, बोले मम्मी अभी मत दिखाओ, कल दिखाना जब मैं अच्छे से रेडी हो जाऊंगी। अभी वो साड़ी पहन रही है, चल के देख रही है, इधर उधर से देख रही है, फर्स्ट टाइम ने साड़ी पहनी है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और मैंने तो साड़ी पहना दी थी अच्छे से, अब बोल रही है मम्मी कल देखते हैं कैसे जाऊं कैसे करूं। पिन तो संभाल दे, सारे पिन संभाल दे, कल काम आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको कल दिखाऊंगी, बाकी मैंने थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाया भी थोड़ी देर पहले। गाइस खुशी ने इतने सारी चीजें देख ली, इसमें से बोल रही है सब बड़ा हो गया है और अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा क्या पहने। मैंने कहा ये देख, ये छोटा वाला है, इसको पहन ले अच्छा लगेगा, ये भी नहीं पहने। ये बहुत, पता है गाइस, ये बहुत साल पुराना है, ये बहुत ज्यादा ही साल पुराना। हाँ तो क्या हो गया, मैं बताती हूँ कितने साल पुराना है। अरे तो जो चीजें अंदर रखी रहती हैं वो पुरानी ही होती है ना। ये अच्छा, अभी सुन ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने आरती मौसी की शादी में पहना ये वाला। हाँ, नहीं तो हाँ मम्मी, अरे वो टूट गया पगला, ये तो वहाँ, ये वहाँ था जहाँ हम जोधपुर गए थे तब लिया था। नहीं वो ये लिए थे, वो येलो वाले लिए थे हल्दी के लिए, और ये ग्रीन वाले लिए, ये तो थे। मेरा था नहीं, इस ये नहीं लिया था, और झुमके लिए थे वो सिल्वर कलर के। तो फिर क्या करूँ रहन दो इनको, ये तो मैंने संभाल दो, इसको रहन दे, ये अच्छा लग रहा है, ये पहन लियो। रख दे सब,
ये पहनेगी? हाँ रख दो, भीगना थोड़ी ना ऐसे। अरे नहीं, कल के लिए। कल के लिए नहीं पहनूंगी मैं ये। तो कुछ नहीं जा रही पहन के ऐसे? मेरा मुँह दिखा रहे? नहीं मेरा है, फिर कौन दिखा रही अभी? अरे पता नहीं, देखते हैं। बता दियो फिर। मैंने बोला कि मम्मी, अब देखो मैंने बहुत सारा है क्योंकि ये बहुत बड़ा है और मैं स्कूल जा रही हूँ, शादी में नहीं। और मैंने एक इसको ये वाला, ये भी शादी का ही, ये वाला दिखाया। ये व्हाइट मोती तो है बट। अरे मम्मी मैं कुर्ता नहीं पहनूंगी, साड़ी पहनूंगी। ये वाला मैंने, ये वाला दिखाया, कोटी वाली कुर्ते पे। कौन सी कोटी वाली कुर्ता? अरे कोई है नहीं, जब होगी तब कोटी वाली कुर्ते पे। तब तक ये बहुत पुराना हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब इस दिसंबर ले। गाइस हम लोग छत पे आए ना, और वो हमारे सामने पड़ोसी रहते हैं। देखो उनकी दोनों लड़कियां कैसे साड़ी पहन के घूम रही है। वो उसको घुमा रही है और उसने खुद साड़ी पहन रखी है। आजकल के बच्चों को कैसा शौक रहता है ना, हमको भी था पहले। अरे गिर गई नीचे। गाइस आज काना को लेट हो गया ना, लेट तो नहीं हुआ, अंधेरा जल्दी हो गया क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली है ना, तो आ रहा है धीरे धीरे चलाते हुए। उसकी लाइट जल गई टायर की। हाँ तभी तो पहचाना मैंने उसको, चमक रही है ना लाइट। ये आ गया सुपरमैन। तेरा वेट कर रहे थे, रात कर दी तूने। अंधेरा हो रहा है। आजा। देदी थी। और जाना पड़ेगा। नाक तोड़ दूंगी मैं, देख लियो अब। देदी थी ना? कौन से सर को दी? ईशान सर को दी। ठीक। सो गाइस टाइम हो गया सोने का। खुशी और काना चले गए सोने के लिए। खुशी ने अपने कल की तैयारी कर ली है टीचर्स डे की, और कल आप उसको देखोगे नए लुक में, वो साड़ी पहनेगी। और आज तो उसने बहुत तैयारी करी। कान्हा जी का तो नहीं है, उनको तो वैसे जाना है स्कूल की ड्रेस में क्योंकि वो छोटे हैं ना, ये 10th में पढ़ती है तो उसको थोड़ा अलग बोला है। लेकिन खाना घर का ही है, बाहर का फूड वगैरह कुछ नहीं जा सकते। तो गाइस देखते हैं कल क्या होता है ना, मैं भी एक्साइटेड हूँ खुशी कैसे दिखती है। सो गाइस मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।